जम्मू कश्मीर च दूजे पड़ा की वोटिंग जारी, दोपहर तक 36% हुई वोटिंग, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर च 10 साल बाद विधानसभा चोणां हो रही ने, जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां के दूजे पड़ा दीआं 26 सीटां ते वोटिंग सवेर तो जारी है। इस दौरान दोपहर तक 36% लोगों ने वोटिंग की है। मिली जानकारी अनुसार पोलिंग स्टेशन से सख्त सुरक्षा विचकार सवेरे 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। दस दिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां के दूजे पड़ा की दोपहर 1 बजे तक 36.93% वोटिंग हो चुकी है। इस तो बाद लगातार वोटिंग जारी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। देखिए जी, यहाँ पे ये जो सेकलू का पोलिंग स्टेशन है, इस पे आपको एक मसाल देखने को मिलेगी। जो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है, ये एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है तहसील मंडी के अंदर, जिसमें आपको हिंदू भी नज़र आएंगे, मुस्लिम भी नज़र आएंगे, सिख भी नज़र आएंगे। सभी ने ये चीज़ सोच के अपना मतदान किया, अपना वोट डाला है कि हमें आने वाले वक्त में सबसे पहले हमारा मुल्क खुशहाल रहे, हमारी स्टेट खुशहाल रहे, हमारे लोग खुशहाल रहें और आने वाला जो वक्त है हमारे लिए वो अच्छा हो। तो आप देखें कि यहाँ पे आज लोगों के दिलों में एक ऐसा जोश और वलवला है, जो कि 11 बजने से पहले ही यहाँ पे तकरीबन 35% जो पोलिंग है वो हो चुकी थी। हमें ये उम्मीद है कि शाम होते होते ये पोलिंग 80% के पार जाएगी। लोग एक चैन चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी स्टेट में ज़रूर चेंजेस आएंगी, और चेंज होगा तो उससे हमारी जो स्टेट है, हमारे लोग हैं, वो खुशहाल होंगे। आज जो हमारा वोट है वो इसकी बेरोजगारी बढ़ गई है आज से ज़्यादा। आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर में ये बहुत ही बड़ा असेंबली इलेक्शन 10 साल के बाद होने जा रहा है, और ये इलेक्शन आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। और लोगों की डिमांड है कि जो MG निरगा का जो इस वक्त वो ऑनलाइन सिस्टम है, लोग परेशान हैं। सिलेंडर गैस की बात करूं मैं, 440 रुपये का सिलेंडर गैस आज 1100 रुपये में है। उसके साथ साथ बिजली की मैं बात करूं, जो बिजली का बिल इनको 50 या 60 रुपये या 100 रुपये आता था, वो 550 रुपये है। इसी को चेंज करने के लिए लोगों ने मन बना रखा है कि सरकार को चेंज करें। हमारा जो भी यहाँ से चुना हुआ नुमाइंदा जाएगा वो गरीबों की बात करेगा। ये गुर्बत जो है, ये BPL जुमरे के जो लोग हैं, इनको राहत मिलेगी। पहुंच तो जगप्रीत सिंह की रिपोर्ट।